अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का स्वागत किया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की, जिसके संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय सह मंत्री अभिषेक हरि सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 35 साल से चली आ रही शिक्षा नीति का बदलाव किया है और HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया और भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने पर केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के सह मंत्री अभिषेक हरि सिंह व पूजा प्रजापति ने कहा, स्वागत है। अभिषेक हरि सिंह, प्रांत सह मंत्री गोरक्ष प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, जो कल 29 तारीख को भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति के को जो पास किया गया, उसके स्वागत को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के जितने भी लोगों ने इस शिक्षा नीति को बनाने में सहयोग दिया है, पूरे भारत से ब्लॉक स्तर के लोगों ने और जो सांसदों ने और सभी शिक्षण संस्थाओं ने और जितने आयोग के जितने भी मेंबर थे उस समय और विद्यार्थी परिषद के दिए हुए सुझावों को जो उस नीति में लागू किया गया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का और पूरे सभी लोगों का, पूरे भारत की सरकार का धन्यवाद देता हूँ। जो प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा स्तर पर जो बदलाव भारत सरकार ने लागू किया है, इससे जो है ये जो नई शिक्षा नीति और मील का पत्थर साबित होगी और ये शिक्षा का जो पहले 10+2 का था उसको चेंज करते हुए भारत सरकार ने 5+3+3+4 को जो लागू किया है, उससे जो है जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके बस्तों का जो है बोझ जो है कम हो जाएगा और जो उच्च शिक्षा आयोग को ले आने के लिए जो प्रारूप में रखा गया है, जो उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, उसके माध्यम से जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम होते थे, अलग अलग अपने अपने पाठ्यक्रम होते थे, उसको बदलते हुए नई शिक्षा नीति में इसको इन्वॉल्व किया गया है और जो नए प्रारूप हैं और जो नई चीज़ें हैं उसमें जल्द से जल्द जो है इसको संसद के माध्यम से पास करके भारत की सरकार नई शिक्षा नीति जो HRD मंत्रालय था उसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय दिया गया है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पूजा प्रजापति, ये हमारी एक शिक्षा नीति का कार्यक्रम है जिसके हम लोग अभी DDU के छात्राएं हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारी 35 साल पुरानी एक शिक्षा नीति का कार्यक्रम चल रहा था जो कि बहुत सारे विबंधन के द्वारा ये पूर्ण नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस महामारी में और इस बेरोजगारी के समय में, इस महामारी के समय में, लॉकडाउन में कितने लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं और परेशानी में, इसमें हमारे राज्य सरकार ने हम लोगों की ये शिक्षा नीति 35 साल पुरानी इसको पूर्ण किया है, उसकी खुशी में हम लोग ये जश्न मना रहे हैं। जो कि एक ये असंभव कार्य दिख रहा था आज से 35 साल पहले, पर अब हमें ये आज हम लोगों का ये कार्य पूर्ण हो गया है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ये हमारा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, और मैं AVVP की अध्यक्ष हूँ अपने कॉलेज की।